नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है न्यूज़ जेड पे। आज हम आए हुए हैं क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च गानों पे, जहां आज यहां पे 11 लीडरशिप सिलेक्शन कॉन्फ्रेंस ऑल अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल यूथ विंग के द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। मैं आपको बता दूँ जो ये जो सलेक्शन है वो कल किया जाएगा, ये जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यूथ विंग के जो लीडर्स ऑलरेडी है वो के द्वारा। और मैं आपको बता दूँ आज के जो ये प्रोग्राम है वो 11 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था, और यहाँ पर काफ़ी अरुणाचल के जितने डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आज यहाँ पर पार्टिसिपेट के लिए काफ़ी लोग आए थे। मैं आपको साथ ही साथ बता दूं आज ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है वो 3 दिन का होगा। आज जो है जीसस को याद रखते हुए आज यहाँ पे जो गैदरिंग किया गया है, और कल जो प्रोग्राम होगा वो सिलेक्शन प्रोग्राम हो जाएगा, और सिलेक्शन हो जाने के बाद जो 21 को है यहाँ पे जश्न मनाया जाएगा। तो देखते हैं आज के प्रोग्राम को विस्तार से। मेरा नाम जो है पई लली कमदर, और अभी प्रेजेंट मैं प्रेसिडेंट हूँ अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल यूथ विंग के अंडर द बैनर ऑफ अपशर सीसी। और मेरे दाएं तरफ में है इवेंजलिस्ट संपरव, ये सेक्रेटरी जनरल हैं अपशर सी यूथ विंग। और हम लोग का टीम है यहाँ पे AGS है इवेंजलिस्ट एलिता सर, एंड हम लोग का वॉलंटियर सेक्रेटरी ब्रदर मालो पीतर, और मेरे जस्ट पीछे में है हम लोग का गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ब्रदर बामंग तादन, और मेरे लेफ्ट में है ब्रदर कोप चुनिया जो चीफ ऑडिटर है, और मेरे पीछे में है ब्रदर यूरा तानम जो लिटरेरी सेक्रेटरी है। ये हम सब का टीम है और कुछ लोग काम में लगे हुए हैं अभी। थैंक यू सो मच। जो 11 लीडरशिप सिलेक्शन कॉन्फ्रेंस जो रखा गया है उसका जो प्रोसेस क्या है, किस तरह से सिलेक्शन हुआ जाता है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जेट न्यूज़ जीरो को, आप लोग इतना कष्ट करके हमारे ये प्रोग्राम में आए हैं कवर करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग का जो सिलेक्शन होता है ये हम लोगों का अंडर द बैनर ऑफ अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल, और ये पूरा अरुणाचल का मिल करके एक बायलो बनाया गया है, और बायलो के प्रोसेस के प्रोसीड्यूर के हिसाब से ही हम लोग सिलेक्शन को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें अपशर्सी का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जितने भी अरुणाचल में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हम लोग ने रखा है, कोई कोई 3 डिस्ट्रिक्ट है जिसे हम लोग एक काउंसिल बनाया है, तो वहाँ के यूथ विंग के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और अपशर्सी यूथ विंग जो स्टेट का है जिनका भी होने जा रहा है, वहाँ का एडवाइजर्स, वो सब जो है भाग लेते हैं। ऐसा है जैसे
जैसे कि ये प्रोग्राम 3 दिन का है, तो 3 दिन मतलब आज से स्टार्ट होके 21 तक क्या क्या होगा आप बता दीजिए। जी हाँ, आज ये पहला इवनिंग है और आज हम लोग का सर्विस है, एक हम लोग फेलोशिप रखा है जिसपे हम अलग अलग दूर दूर से जितने भी विश्वासी हैं और बहुत सारे लोग जो पहले बार आ रहे हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं। और आज हमारे बीच में स्पीकर भी है जो प्रभु का मैसेज देंगे। और आज ये पहला इवनिंग हम लोग फेलोशिप रख करके कल हम लोगों का सिलेक्शन का ये प्रोसीड्यूर रहेगा। अक्षरशी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उन लोग लीड करेंगे और उसके बाद इवनिंग को हम लोगों का फिर एक सब हम मिल करके युवा लोग हैं इसीलिए हम लोग एक वॉलीबॉल कंपटीशन भी रखा है। और इवनिंग को फिर हम लोग फेलोशिप एक रखेंगे, प्रार्थना होगा सारे अरुणाचल के लिए, अरुणाचल का वेलबींग के लिए और केवल अरुणाचल नहीं पूरे दुनिया के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और परसों जो है संडे है, तो संडे में हम लोगों का जो लीडरशिप कल सिलेक्शन हो जाएगा उनका हम लोग प्रार्थना करेंगे, इंस्टॉलेशन होगा हम लोगों का प्रेयर। तो उसके बाद जो है आफ्टर लंच के बाद में हम लोग डिपार्चर हो जाएंगे। जैसे कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आज यहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं आज के जो प्रोग्राम में, जी, तो उनके लिए आप कुछ सूचना देना चाहेंगे? हाँ, यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि हम लोगों का जितना हम लोगों का जो यहाँ पे आना चाहिए प्रोग्राम के लिए सभी आ चुके हैं। कुछ एक दो जो है कुछ मौसम अलग डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम के कारण नहीं आ पाए हैं और अभी जस्ट देखिए पीछे भी आ चुके हैं। तो उन जो लोग नहीं पहुँच पाए हैं उन सब के लिए यही है कि वो लोग हमें लगातार प्रार्थना सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा रहेगा, वो लोग दुख भी नहीं होना है और आने वाले समय में 100% अभी तो 99 है, 100% हम लोग पूरा पार्टिसिपेट होना है, अच्छा रहे। सर, ये जो सिलेक्शन होता है वो कितने साल के बाद होता है? जी, ये हम लोगों का 3 इयर्स का टेन्योर रहता है, अभी 2022 से लेके हम लोग 2025 तक ये चलेगा। ऐसा सर, आपकी जो ये रिवाइवल चर्च की जो कमिटी है आप उनके लिए कुछ मैसेज छोड़ना चाहेंगे आपकी तरफ से? ज़रूर ज़रूर, मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि हमें हम सबको ये युवा समय में उनका सेवा करने के लिए जो हमारे स्टेट और कंट्री को हम लोग जो है सेवा करने का मौका मिल रहा है। और ये परमेश्वर ने हम लोग को बहुत अच्छा समय दिया है, हम अपने पढ़ाई के ज़रिए, प्रार्थना के ज़रिए, कामों के ज़रिए हम जो है कोशिश करते हैं कि हम भी नेशन बिल्डिंग में हम काम कर सकें। और इसके साथ साथ जितने हमारे क्रिश्चियन जो कम्युनिटी के हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार को भी नहीं जानने वाले भी बहुत है, जो गांव-गांव अंदर में रहते हैं, लेकिन और आपको ये जान के बहुत खुशी भी होगा कि वो लोग बूढ़ा बूढ़ी लोग, यंग लोग जो इंटरनेट प्लेस में रहते हैं वो लगातार हम लोग का सोसाइटी के लिए प्रार्थना करता है, युवा के लिए और जो लोग तकलीफ में गुजरे उनके लिए प्रार्थना होता है और सरकार के लिए भी प्रार्थना किया जाता है। तो हम सब चाहते हैं कि हम लोग का अरुणाचल अच्छा हो, भारत अच्छा हो और जो हम लोग का कम्युनिटी है जितने भी है मैं उन सभी से यही कहूँगा कि जिस प्रकार से अरुणाचल में एक ग्रेट रिफॉर्मेशन लाया है हम लोग प्यार के ज़रिए और क्षमा के ज़रिए जो लाया है अरुणाचल में, इसे हम लगातार बरकरार रखें और एक दूसरे से प्रेम करें और जो भी गलतियां होते हैं उसे हम माफ़ करें और आगे बढ़ते रहें और हर धर्म हर जाति लोगों के साथ में हम मिल करके काम करें। और बाकी लोगों से भी मैं यही अपील करता हूं कि जिस प्रकार से हम लोग का क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है कोशिश कर रहा है और अलग लोग भी बहुत कर रहे हैं, हम सब जो है कोई अलग नहीं है, एक ही है, सब मिल करके हम अच्छा अरुणाचल बनाएं, आशीष से भरा अरुणाचल बनाएं, अच्छा देश बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा अभी अभी हमने अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल यूथ विंग के प्रेसिडेंट से बातें की, तो उनका कहना यही है कि जो इस बार यहाँ पे आके पार्टिसिपेट नहीं कर पाए कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो निराश ना हो और अगली बार ज़रूर ट्राई करें। और उनका कहना ये भी है कि जो कुछ नेटवर्क एरिया जहाँ हम नहीं जुड़ पाते वहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो लोग हमेशा हमारे लिए प्रे करते हैं, हमारे अरुणाचल के लिए प्रे करते हैं और साथ ही साथ हमारे जो गवर्नमेंट है उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा जीजस से प्रार्थना करते हैं। तो आगे की खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ डेस्क के साथ।